ओम जी नमस्कार प्रणाम। मैं अब जंडिस पीलिया पांडु कामला रोग दूर करने के लिए रामबाण परीक्षित नुस्खे बोल रहा हूँ। इनमें से किसी एक नुस्खे लें, जैसे कि मूली के पत्तों का रस 60 ग्राम अर्थात 10 चम्मच का सहित 10 ग्राम 2 चम्मच मिश्री मिलाकर सुबह खाली पेट पीने से 7 दिन में पीलिया नष्ट हो जाता है, रामबाण दवा है। नहीं तो मेहंदी पौधे की कच्ची जड़ अंगूठे मोटे साइज वाले लाएं, साफ पत्थर पर घिसकर 2 चम्मच पेस्ट निकालें और उसमें 10 चम्मच कच्चा चावल का पानी के साथ मिलाकर प्रतिदिन 3 बार करके 5 दिन पीने से पीलिया नष्ट हो जाता है। ध्यान दें, कच्चा चावल को चुन करके पानी में मसले और उस पानी से 10 चम्मच ले, बच्चों को आधा दे, सहस्र बार परीक्षित है। रोग पुराना होने पर रोग मुक्त तक ले। नहीं तो मेहंदी के पत्ते 10 ग्राम रात में मिट्टी के बर्तन में 200 ग्राम पानी में भिगो दे, प्रातःकाल छान कर पिला दे। एक सप्ताह पीने से पुराना पीलिया पांडु कामला रोग जड़ मूल से दूर हो जाता है। नहीं तो अरंड के 2 पत्ते लेकर 30 ग्राम साफ पानी में अच्छी प्रकार घोट कर रस निकाल ले। इस रस को गाय का ताजा कच्चा दूध में मिलाकर गुरुवार और रविवार सुबह 7 बजे से पहले पिला दें। सिर्फ 2 दिन ही पिलाना है। जिस दिन दवा लें उस दिन प्रातः सायं केवल भात और गोदुग्ध ही लें। गेहूं की रूखी रोटी खा सकते हैं। दूसरे दिन से सामान्य भोजन कर सकते हैं। यह पीलिया को दूर करने वाला सरतिया इलाज है। नहीं तो आँख अर्ख अरख आकड़ा मदार के नर पौधे की सबसे ऊपर की छोटी कोंपले 2 पत्ती वाली लेकर मीठे मावे खवा में मसल कर खिला दें और ऊपर से दूध पिला दें। एक बार में ही ठीक हो जाएगा, पीलिया सदा के लिए समाप्त। आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, परंतु यदि कुछ पीलिया का असर रहता है तो तीसरे दिन एक खुराक और दे दें। पीलिया का औचक सरल चमत्कारिक इलाज है। नहीं तो खाने का चूना 1 चने के बराबर को 1 पक्के केले में रखकर नित्य 4 दिन सुबह खाली पेट लेने से पीलिया ठीक हो जाता है, परीक्षित है। अथवा पुनर्नवा की जड़ को साफ करके छोटे छोटे टुकड़े कर लें। 20-21 टुकड़े को धागे में बांधकर माला बनाकर गले में पहनने से भी कुछ दिन में रोग ठीक हो जाता है। रोग ठीक होने पर माला को किसी वृक्ष पर डाल दें। अथवा गिलोय अमृता की लता गले में लपटने से भी पांडु और कामल रोग दूर होता है। अथवा अपमार्ग ओंघा आंधी झाड़ा चिरचिटा की जड़ को छोटे छोटे टुकड़े कर लें। किसी धागे डोरी में 21 टुकड़े को बांधकर रोगी को पहना दें। माला बढ़ती जाएगी और रोग घटता चलेगा। सभी नुस्खे परीक्षित है, किसी एक प्रयोग करें, परंतु परहेज करें। जो चीज खाना मना है ना लें। इन संबंध में मेरा दूसरा वीडियो देख लें। ओम नमस्कार।